है तो बिल्ली फैमिली बैठी हुई यहाँ पे, ऐसे लोग जिसमें बिल्लियाँ बिल्लियाँ पाली हुई हो। आप क्या हैं, आप क्या पिए? अच्छा मुझे नहीं पता कि आप क्या बिल्लियाँ क्या ऑपरेट कर रही हैं, पर हमारा बिल्ला ना बहुत सेक्स कर रहा है। मतलब भाई वो किए जा रहा है, एक होता है करना, एक होता है किसी चीज़ को अपनी लाइफ का मिशन बना लेना। अब वो ही रहता है यार, यूजुअली बिल्लों के ना सीजन होते हैं वो, मतलब कि उनका एक टाइम आता है जब उनका दिमाग बनता है वही चीज़ें करते हैं, मगर हमारे बिल्ले का कोई सीज़न नहीं है, वो साल के 365 दिन एक ही एनर्जी पर ऑपरेट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पैशन किसको कहते हैं, आप हमारे बिल्ले से मिलिए। अच्छा हो ही रहता है यार कि मैं थोड़ा सा अपने बिल्ले के बारे में बता दूँ, हमारे बिल्ले का नाम है मोमो, हम लोग 6 बहन भाई हैं, मोमो 7वां है। मोमो का पूरा नाम है मोमो हसन खान। हम अपने बिल्ले को लेकर बहुत सीरियस हैं। मोमो की जो अम्मी थी ना वो एक पर्शियन बिल्ली थी, और मोमो के जो अब्बू थे वो एक रैंडम बिल्ले थे जिनको एक विंडो खुली हुई मिली और उस विंडो के अंदर एक पर्शियन रखी हुई मिली। उन्होंने उस विंडो का और उस पर्शियन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट थे मिस्टर मोमो। अच्छा मोमो जो था ना, शुरू में ना उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि यार कि उसके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनसे क्या क्या बना सकते हैं, मगर पता नहीं क्या हुआ, कौन सी गंदी फिल्में देख ली, क्या हो गया, किन दोस्तों में गया यार वो, जिस दिन से उसको पता चला है कि वो ये कर सकता है वो इस काम पे लगा हुआ है। और वो जो है ना, मतलब कि जितने दिन उसने ज़ाया किए हैं वो उनको भी फिक्स कर रहा है। अच्छा शुरू शुरू में होता ये था कि यार कि जो हमारा बिल्ला था ना वो हमारे घर के पास एक गोश्त की दुकान थी, वो वहाँ जाता था और वहाँ जाके ठंडा गर्म करता था। फिर उसको एहसास हुआ कि यार ये डेली डेली का जाना, वहाँ जाके करना, करके घर आना, ये टू मच है। वो सारी बिल्लियों को लेके घर आ गया यार। अच्छा हमारी एक रिलीजियस फैमिली है, हमारे कोई सेक्स वेक्स पे इतनी बात नहीं होती यार। अब उस घर में यार खाने की टेबल पे सोफे पे, एक बार तो अब्बू नमाज पढ़ रहे थे यार, गाना का वाजे, पूरा घर का माहौल ख़राब हो गया, अनशंट हो गया सब कुछ ना। अच्छा मैं 33 साल का हो चुका, मेरी शादी नहीं हुई थी, अब खून चलता रहता था कि एक बिल्ला है वो घर आ गया और जगहें बदल बदल के कर रहा है वो। अच्छा हुआ ये कि हमारे घर के चारों तरफ काफ़ी सारे घर हैं जिसमें वहाँ भी बिल्ली हैं, मगर चूँकि हमारा बिल्ला काफ़ी बदनाम है तो जैसे ही वो कहीं से गुजरता है तो लोग अपनी बिल्ली अंदर कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने रहती हैं डॉक्टर साहिबा, उनके घर पे ना दो साइमीज बिल्लियाँ थी। अब होता ये था कि वो जाली के पास ना, यहाँ पे दो साइमीज बैठी हुई और यहाँ पे एक हमारा बिल्ला बैठा हुआ है। अब जो भी था यार, बिल्ला मेरा था वो, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि यार कि इस तरह से सामने बैठा हुआ है, आवाज़ें लगा रहा है गंदी गंदी, तो मैं आते जाते ना उनका दरवाज़ा हिला के देखता था, कभी तो खुला मिलेगा। अभी एक दिन मैंने हिलाया, दरवाज़ा खुला हुआ था, सबको सब पता था क्या करना है, बिल्ला गया सीधा अंदर, ठीक है। मैं बाहर खड़ा हो गया, गार्ड को कर 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 5 मिनट के अंदर दोनों साइमीज उसने फाइनल की और दोनों भाई घर आ गए, मगर हम भूल चुके थे कि वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, उस पे वो दोनों बिल्लियाँ फाइनल करता हुआ आ गया और मैं उसका गार्ड की ड्यूटी पे मैं भी आ गया। हमारे घर कंप्लेन आई, हम 3 भाई हैं, आज तक कभी घर पर कोई मसला नहीं आया यार, पहली बार इस मनहूस बिल्ले की वजह से ये आए, वो कंप्लेन आई घर पे यार। अच्छा वो कंप्लेन आ गई घर के ऊपर, उन्होंने कहा भाई देखें मसला ये कि एक तो ये पूरा सेक्स डॉक्यूमेंट हो चुका है, दूसरा यार ये आपके बड़ा बेटा बाहर खड़ा हुआ देख रहा था वो सब यार।